वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ काफ़ी अच्छा वीडियो जो कि आपकी स्किन के लिए, तो गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। के साथ में पूरी डिटेल शेयर करूँगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि जिन गर्ल्स को अपने फेस पे हेयर्स की प्रॉब्लम है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आपके ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो बॉयज़ को भी होते हैं, गर्ल्स को भी होते हैं, तो दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये वाला प्रोडक्ट। क्यों पसंद आया वो भी मैं आपके साथ में बताऊंगी। पर क्या है कि जब मैंने इसको यूज़ किया था तब अगर मैं इसकी क्लिप ले लेती तो ज़्यादा बेस्ट होता, मैंने वो क्लिप नहीं ली है। नेक्स्ट टाइम पे जब भी मैं इसको यूज़ करूंगी तो उसकी स्क्रीनशॉट आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी, शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो अभी मैं इसके बारे में पूरा बता देती हूँ, आप इसको ट्राई ज़रूर करना। जिनको गर्ल्स को वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जैसे कि नोज़ पे काफ़ी सारे ब्लैक कैट्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, फेस पे हो जाते हैं, ज़्यादातर तो नोज़ पे होते हैं और इस वाले एरिया में होते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। और अगर आपको छोटे छोटे हेयर्स की प्रॉब्लम है, फेशियल हेयर्स जो होते हैं गर्ल्स के साइड में होते हैं काफ़ी सारी गर्ल्स के, तो उनकी अगर प्रॉब्लम है आपको तो वो भी इससे थोड़ी बहुत, जैसे कि फर्स्ट टाइम पे आप यूज़ करोगे तो थोड़ा कम होगा, तो इसको यूज़ करते करते जाओगे, जैसे कि वीक में अगर आपने 2 से 3 बार इसको यूज़ कर लिया तो आपके जो हेयर्स हैं फेशियल हेयर वो ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे यूज़ करते करते। काफ़ी सारी गर्ल्स तो शेविंग कर लेती हैं आजकल, काफ़ी सारे मार्केट में गर्ल्स की शेविंग रेज़र आ गए हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है उस चीज़ से, क्योंकि मैं वो ट्राई नहीं कर सकती हूँ। फ्यूचर का मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन इस टाइम तक तो मैं जो रेज़र है वो यूज़ नहीं करती। मैं काफ़ी सारे यूट्यूबर को देखती हूँ कि वो बोलती हैं कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं ट्राई नहीं कर पाती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि फेस पे अगर यूज़ कर लिया तो क्या पता कि ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगी या फिर ज़्यादा हेयर थिक आएंगे, ब्लैक आएंगे, तो मैं यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए मैंने ये वाली चीज़ एक बार ट्राई करके देखी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये वाला। तो मैंने इसका एक और यूज़ कर रखा था, वो भी उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ में इसी वीडियो में कर दूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करें, वो ये है। तो मैं आपको इसको पास से दिखा देती हूँ। तो इस पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों बने हुए हैं, आप देख सकते हो। इसकी पूरी डिटेलिंग आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। चारकोल ब्लैक पील ऑफ मास्क है और ये एंटी पॉल्यूशन, मतलब जो भी आपके स्किन में काफ़ी सारे पॉल्यूशन इकट्ठा हो रखे हैं उसको रिमूव करने में भी मदद करेगा। एक्टिव कूलिंग इफेक्ट, और आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। स्किन प्योरिफाइनिंग क्लींजिंग मास्क, मतलब कि आपकी स्किन को डीपली ये क्लीन कर देगा, और सच में ये क्लीन करता है, आपको यकीन नहीं होगा। पर मैंने जब इसका रिज़ल्ट देखा था फर्स्ट टाइम पे तो मुझे समझ में नहीं आया था। जब भी इस मास्क को यूज़ करोगे तो आप जब भी इसको पील ऑफ करोगे, मतलब कि निकालोगे, हटाओगे, उसके फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करोगे तो तब देखोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हम इतनी गंदगी हमारे फेस पे लेके चल रहे थे, और आपको खुद को इतना ऐसा लगेगा कि छीक, मतलब कि कितनी गंदगी हम अपने फेस पे लेके चल रहे थे। मुझे लगता था कि मैं डेली तो फेस वॉश करती हूँ, डेली क्रीम यूज़ करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो फेस पे इतना गंदगी नहीं है और दिखता भी नहीं था, मतलब फेस अच्छा ही दिखता था। और जब मैंने इसको यूज़ किया उसके बाद में, जब मैंने पील ऑफ किया उसके बाद में मैंने फ्लैशलाइट से ऑन करके देखा, तब मुझे पता चला कि मैं अपने फेस पे कितनी गंदगी लेके चल रही थी, और मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लगता है उसको देख के, कि मतलब, और खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि हमारी जो स्किन है वो इतनी फ्रेश हो गई है और इतनी गंदगी हमारी फेस से निकल चुकी है, और हमारा जो फेस है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ग्लोइंग लग रहा है, और जो हेयर्स हैं वो भी निकलते हैं। रियल में सच बता रही हूँ मैं, जो आपके फेस पे हेयर है
छोटे छोटे साइडों में होते हैं वो भी निकलते हैं, और काफ़ी छोटे छोटे हेयर्स भी निकल जाते हैं, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके जो स्किन का ग्लो है वो भी आपको दिखेगा। बता रही हूँ, 2 बार मैंने इसको यूज़ किया है और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। मैं इसको दोबारा यूज़ करना चाहूँगी, दोबारा इसको यूज़ करूँगी ज़रूर। जो रूटीन है जो भी मैं करती हूँ थोड़ा बहुत अपने फेस के लिए, उसमें तो ये वाला प्रोडक्ट ज़रूर आएगा। अब इसके अलावा मैं अब कोई ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करके छोटा मोटा फेशियल घर में ही कर लिया तो जो आपकी स्किन है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। अब मैं इसके बारे में फुल डिटेल आपको बता देती हूँ। 200 का मिला था ये, मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, फ्लिपकार्ट से मैंने इसको परचेस किया था। 1 ग्राम का है तो मतलब कि काफ़ी टाइम तक आपके चल जाएगा। अगर आप वीक में इसको 5 बार यूज़ करते हो तो ये आपके 2 महीने चल जाएगा, मतलब 10 बार तो यूज़ हो ही जाएगा, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको फेस पे ही यूज़ कर रहे हो, नेक पे भी यूज़ कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो कि ये आपके कितने टाइम तक चलेगा। जो शेल्फ़ लाइफ है वो मैं बता देती हूँ आपको, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 3 साल की इसकी शेल्फ़ लाइफ है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने इसका एक रिव्यू देखा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी ढूंढ रही थी जिससे कि जो फेशियल हेयर्स है उसको रिमूव कैसे किया जाए, और जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए मुल्तानी मिट्टी वाला ही जो था वो पैक वो ही मिला सब जगह। पर मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ करती हूँ तो उससे इतना फ़र्क आता है, लेकिन इतना नहीं कि वो सारे ही निकल जाए। तो मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे कि जो फेशियल हेयर है वो भी रिमूव हो जाए। बॉयज़ के भी होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे इस जगह पे बॉयज़ के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जगह पे वो क्या शेविंग नहीं कर सकते तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा इश्यू होता है फेशियल हेयर का। और गर्ल्स को जो है वो गर्ल्स को साइड में हेयर फेशियल हेयर्स होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यू होता है इस चीज़ का, ताकि जो मेकअप हम लगाते हैं वो भी इतना स्मूथ क्लीन नहीं लगता, केकी सा लगता है फेशियल हेयर की वजह से। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ ढूंढ रही थी तो सब जगह यही था फेशियल हेयर को रिमूव करने का, जो रेज़र है। आजकल रेज़र काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल गए हैं तो जो कंफर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही किसी को भी कि आप यूज़ मत करो, जो कंफर्टेबल है जिनको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता वो यूज़ ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी को भी ये नहीं बोल रही कि आप फेशियल हेयर जो है वो रेज़र से रिमूव करो या मत करो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ रेजर यूज़ करने में फेस पे, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं ढूंढ रही थी तो मुझे काफ़ी सारे पील ऑफ मास्क, मुझे पता था क्योंकि मैंने पील ऑफ मास्क एवर यूथ का यूज़ कर रखा था, से इतना ज़्यादा मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जैसे नॉर्मल है वो इतना आपको वर्क नहीं करता है, मेरी स्किन में तो नहीं किया उसने वर्क, सिर्फ ग्लो देता है वो, ये मैं मना नहीं करूँगी, ग्लो वो देता है लेकिन वो पूरे जो हेयर से उसको नहीं निकालता। तो मुझे काफ़ी टाइम से पता तो था कि पील ऑफ मास्क जो होता है चारकोल वाला, वो काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छा भी बताते हैं, तो मैंने उसके वीडियो काफ़ी सारे देखे थे, तो बहुत लोगों को पेन हुआ, तो मुझे लगता था कि मैं ये नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी लोग पील ऑफ करते थे तो वो रोने लग जाते थे, तो मुझे लगता था कि यार बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती। तो इतने टाइम से मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी पेन के कारण, पर फिर मैंने सोचा कि यार पेन होगा तो होने दो, कम से कम स्किन जो है वो अच्छी तो लगेगी, थोड़ा रो दो के कैसे भी करके इसको निकाल लेंगे धीरे धीरे करके, तो ट्राई करके देखते हैं। अब मैंने इसको ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, मैंने इसको ऑर्डर किया, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे तो मुझे, मैंने बहुत इसको अच्छे से परचेस किया है सारे इसके रिव्यू देख के, तो काफ़ी लोगों ने इसको परचेस किया हुआ था, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि काफ़ी अच्छा है और 1 टाइम में ही काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है, तो इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया। 200 रुपीज़ का था, तो जैसे कि ये आज मेरे पास आया है और मैंने इसको अगले दिन नेक्स्ट डे इसको यूज़ किया, तो मैंने इसको भगवान का नाम लेके पूरे फेस पे लगा लिया। इसमें लिखा होता है 30 मिनट्स आपको अपने फेस पे रखना है जब तक कि सूख जाए। तो मैं आपको बता दूँ आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो
तो पील ऑफ मास्क है ब्लैक कलर का, चारकोल ब्लैक पील ऑफ मास्क ही लिख रखा है, इसका कोई नाम नहीं है। तो आपको काफ़ी सारे और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बेस्ट लगा मुझे तो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको बता दूँ इसको यूज़ कैसे करना है, तो आपको इसको अपने हैंड पे ले लेना है और आपको फटाफट इसको यूज़ करना है, नहीं तो आप अगर थोड़ी देर भी छोड़ दोगे तो वो आपके हैंड पे ही स्टिक हो जाएगा। तो आपको फटाफट, जैसे ही आपने हैंड पे लिया और फटाफट अपने फेस पे इसको लगा लिया फिंगर से, तो मैं आपको बता दूँ आपको अपनी आईज़ जो है वो बिल्कुल छोड़ देनी है, ये वाला हिस्सा भी छोड़ देना है और नीचे से भी बहुत दूर तक छोड़ देना है, और नोज़ पे सब जगह लगा लेना। आपको आपके आईब्रो पे नहीं लगाना है इसको, जहाँ पे भी आपके हेयर्स हैं, मतलब कि साइड के जो फेशियल हेयर है उनको तो हमें रिमूव करना ही है, लेकिन आईब्रो के हेयर हमें रिमूव नहीं करने, तो इसलिए हमें आईब्रो बिल्कुल छोड़ देनी है, बिल्कुल आईब्रो पे नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आईज़ पे नहीं लगना चाहिए। ये वाला हिस्सा, इतना इतना हिस्सा आपको ये छोड़ देना है दोनों तरफ का, और बाकी पूरे फेस पे इसको लगा लेना है, नेक पे भी आप लगा सकते हैं। 30 मिनट्स के बाद ये जब ड्राई हो जाए अच्छे से, ये नहीं लगाना, अगर आप उसको पील ऑफ करोगे तो जो आपके आईब्रो वो भी उड़ जाएंगे साथ के साथ में। गलती बिल्कुल मत करना कि आपने इसको आईब्रो पे लगा लिया है, तो आईब्रो पे मत लगाना, ऐसी गलती मत करना, आइस पे भी मत लगाना, थोड़ा आइस को दूर रख के ही इसको लगाना, अपने पूरे फेस पे लगा लेना। 30 मिनट के बाद ये अच्छे से सूख जाए तो आप अपने हैंड को लगा के देख लेना कि ये सूख गया। ऊपर से पील ऑफ मत करना, ऊपर से मत निकालना, आपको नीचे से निकालना, जिससे कि नीचे से अगर निकालोगे तो आपके जो भी छोटे छोटे हेयर्स हैं फेस पे हैं, नेक पे हैं, जो भी फेशियल हेयर है वो निकलेंगे ईजीली, क्योंकि उनकी डायरेक्शन ऐसे होती है, तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो वो क्या है कि खिंच के निकल जाएंगे, तो आप ऊपर से करोगे तो वो निकलेंगे नहीं, और आपके जो ब्लैक एंड व्हाइट हेयर्स है वो भी नहीं निकलेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, नीचे से उसको पूरा अच्छे से कर करके धीरे धीरे धीरे, और आपको ऐसे भी करना है ताकि वो जो हेयर्स है वो खींचेंगे तभी निकलेंगे। तो इसलिए आपको यूं यूं करके उसको पूरे को निकाल लेना है उसके बाद में। और सच बताऊं मैं कि काफ़ी सारे वीडियो में लोग बताते हैं कि मतलब उनको पेन हुआ, मुझे सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, जितना कि मैं इतने सालों से डरती थी इसको यूज़ करने से कि पेन होगा, काफ़ी सारे लोग रोते हैं ये वो, बिल्कुल भी पेन नहीं होता, बिल्कुल भी, सच बताऊं एक भी आंसू नहीं आएगा। हो सकता है किसी किसी को इचिंगनेस हो जाती होगी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे कुछ पेन नहीं हुआ, आराम से निकल गया। किसी किसी की स्किन क्या होती है कि पतली होती है बहुत ही, तो उनको शायद पेन हो सकता है, तो मेरी थोड़ी स्किन जो है वो मोटी है, हाँ मेरी स्किन थोड़ी मोटी है, तो इसलिए क्या है कि मुझे पेन नहीं हुआ, आराम से निकल गया। और जब मैंने फ्लैशलाइट ऑन करके फ़ोन की देखी तो भाई इतनी गंदगी निकली थी, सच बताऊँ इतनी गंदगी, कभी मैं जब इसको यूज़ करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी फ्लैशलाइट ऑन करके कि कितनी गंदगी दिखती है, पर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए मैं नहीं दिखाऊँगी। तो अगर आप बोलोगे तो दिखा दूँगी, नहीं बोलोगे तो वैसे क्या ही दिखाना, इतनी गंदगी, बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही अजीब सा लगता है कि इतनी गंदगी है हमारे फेस पे, जबकि हम डेली फेस वॉश करते हैं और वीक में कम से कम 2-3 बार तो कोई भी पैक यूज़ कर ही लेते हैं, पर फिर भी इतनी गंदगी हमारे फेस पे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो आप इसको एक बार यूज़ ज़रूर करके देखो, क्योंकि आपके सच में फेस की जो गंदगी है वो निकलेगी और आपका जो ग्लो है वो भी वापस आएगा। तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 साल इसके शेल्फ लाइफ है, 60 ग्राम का आपको मिल जाता है, 5 से 10 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, और ये आपको 200 रुपीज़ में ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल की वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, आप इतनी कंजूसी क्यों करते हो मुझे समझ में नहीं आता, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे क्या है कि मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलने से मैं आपके साथ में अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर पाऊँगी।
और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी प्रोडक्ट लेके आ पाऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ में और अच्छी अच्छी वीडियो कैसे ला पाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। तो प्लीज़ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।